तो दोस्तों, मैं हूं जय और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाबी सिंगर निंजा के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि निंजा पाजी का एक और नया गाना हमारे सामने बहुत ही जल्दी आने वाला है और उनके इस गाने का नाम था कल्ला चंगा। तो दोस्तों, फाइनली उनका ये गाना रिलीज हो चुका है और आज के इस वीडियो में हम उनके इसी गाने के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बना रहा हूं, तो हो सकता है कि मैं कोई छोटी बड़ी बात मजाकिया रूप में बोलूं, तो उसको बिल्कुल भी दिल पे मत लेना। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर यार फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि यार मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी जाओ यार, फॉलो करो। और चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाने की शुरुआत होती है जिसमें हम देख सकते हैं कि निंजा पाजी इस रोड के ऊपर खड़े होते हैं और स्टार्टिंग का जो म्यूजिक होता ना, वो सच में यार मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। बी प्राक पाजी के बारे में कहना पड़ेगा यार कि उनका जो म्यूजिक होता है ना, वो काफी ज्यादा जबरदस्त होता है। और इसके बाद अगले सीन में निंजा पाजी और उनकी गर्लफ्रेंड के बीच में किसी बात पर झगड़ा हो जाता है और निंजा पाजी बहुत ही गुस्से में वहां से निकल जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि निंजा पाजी की जो गर्लफ्रेंड है वो यहां पर रिग्रेट करते हुए नजर आती हैं और वो चाहती हैं कि निंजा पाजी यहां से ना जाए। बट हमारे निंजा पाजी हैं सख्त लोंडे, वो है जाकिर खान के भक्त और वो वहां से निकल जाते हैं अपनी सुपर बाइक लेके। अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है, एटीट्यूड में रहते हैं अपने। और अपने घर से निकलने के बाद निंजा पाजी पहुंचते हैं इस जगह पे। ये कौन सी जगह है मुझे नहीं पता, बट वो यहाँ पर रुकते हैं और कुछ खा रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच उनको याद आती है अपनी गर्लफ्रेंड की और वो गुस्से में जो कुछ खा रहे होते हैं उसको मसलने लग जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर खड़ी एक लड़की निंजा पाजी की हालत को देखकर समझ जाती है और वो उनके पास आती है। और अगले सीन में हमको बताया जाता है कि वैसे तो हमारे निंजा पाजी बहुत ही सख्त लौंडे हैं, बट यहाँ वो पिघल जाते हैं। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ मैं पिघल गया। और फिर वो यहाँ पर भी अपने आप पर गुस्सा करते हैं और इस लड़की के ऊपर कुछ पैसे फेंकते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमारे मॉडल पहुँचते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वो अपने आप को कुछ देर शांत रख सके और अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ देर बुला सके, बट ऐसा नहीं हो पाता है और फिर से उनको उनकी गर्लफ्रेंड की याद आने लग जाती है। इसके बावजूद हमारे मॉडल कुछ देर यहाँ पर ठहरते हैं और अगले सीन में बताया गया है कि वो किसी कैसिनो के अंदर होते हैं जहाँ पर वो इतनी पी लेते हैं कि उनको होश भी नहीं रहता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। इसके बाद उनके पास एक लड़की आती है जो कि उनसे पैसे मांगती है, बट उनको होश भी नहीं है कि इसको क्या कहना है, इसको क्या देना है। वो अपना कोट लेके उस लड़की को पकड़ा देते हैं। इसके बाद उस कैसिनो के गार्ड उसको पकड़ के वहाँ से बाहर फेंक देते हैं। बाहर आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा बुरा फील करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने यहाँ पर एक बात नोटिस की कि अंदर निंजा पाजी को ये होश भी नहीं होता है कि उनके आसपास क्या हो रहा होता है, बट बाहर आके वो फिर से एक बार होश में आ जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की रोड पर बैठकर कुछ खा रहे होते हैं और वो लड़की प्रेग्नेंट होती है। इसके बाद उनको उनकी गर्लफ्रेंड की याद आती है जहाँ पर काम करने के दौरान उनकी वाइफ ने उनको एक ड्राइंग बनाकर दी थी जिसके अंदर एक लड़की, एक लड़का और एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। बट हमारे मॉडल को उस ड्राइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो उस लेटर को वहाँ पर फेंक देते हैं। यहाँ पर निंजा पाजी को रियलाइज नहीं होता है कि उनकी वाइफ उनको बताना चाह रही है कि वो प्रेग्नेंट है। बट अब यहाँ पर निंजा पाजी बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा तेजी से रो रहे होते हैं। उनको रियलाइज होता है कि उनको पहले ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो अपने आप को सजा देने के लिए 3 साल तक इधर उधर भटकते रहते हैं और 3 साल के बाद एक बार फिर से वो अपने घर पर पहुंचते हैं। घर जाने के बाद उनकी वाइफ दरवाजा खोलती है। इसके बाद उनकी वाइफ के पास से निकलता है एक छोटा सा कबीर सिंह जो कि दिखने में काफी ज्यादा क्यूट होता है और निंजा पाजी उसको अपने गले से लगा लेते हैं।
इसके बाद उनकी वाइफ भी उनको माफ कर देती हैं और फिर इसके बाद वो तीनों ही एक साथ रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गाना खत्म हो जाता है। और अगर हम गाने की बात करें तो गाने के लिरिक्स और गाने का जो म्यूजिक है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, और गाने की जो ये स्टोरी है ना जिसके बारे में हमने अभी बात की ये भी काफी ज्यादा सही है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको बता दूं कि मैं भी निंजा पाजी का फैन हूं और उनके गाने मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आते हैं। और आप इस वीडियो को छोड़ें उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं एक बार फिर से कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर जल्दी फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देना। और मैं आपसे मिलता हूं ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।